માહિતી મિલાદને ગણેશ વિસર્જનને લઈ સુરત પોલીસ દ્વારા પેટ્રોલિંગ વધારી દેવાયું છે। સુરતમાં ઈદે મિલાદ અને ગણેશ વિસર્જન યાત્રાને લઈ દેશભરમાં પોલીસ દ્વારા ચાપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે। પોલીસ દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલિંગ કોમ્બિંગ સહિત કાર્યવાહી કરાઈ રહી છે, ત્યારે ભાગળચાર રસ્તાથી ખ્વાજાદાના દરગાહ સુધી પોલીસ દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરાયું હતું। તહેવારો સમયે અસામાજિક તત્વો કોઈક આકરી છાળો ન કરી જાય તે માટે પોલીસ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ કરાઈ રહ્યું છે। कल ईद का जो है जुलूस का बंदोबस्त है और परसों जो है गणेश भगवान के विसर्जन का बंदोबस्त है और इन दोनों बंदोबस्त को अच्छे से जाएं उसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली है। हमारे 15,000 जवान, 11 कंपनी हमारी स्टेट रिजर्व पुलिस की, एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स और 250 हमारी स्पेशल जो टीम हेडक्वार्टर की है वो बनाई गई है। उसके अलावा अलग अलग विस्तारों में कुल 125 जितने कैमरे, 12 जितने हमारे ड्रोन कैमरे और उसके अलावा जो जितने भी 900 जितने बॉडी वन कैमरे से समग्र पूरी प्रक्रियाओं की जो ईद जुलूस की और गणेश विसर्जन की रिकॉर्डिंग भी करते रहेंगे जो है। और हम आपके थ्रू जो ये अपील भी लोगों से करते हैं, पूरी प्रक्रिया अच्छे से की गई है, तैयारियां की गई हैं, लोकल आगेवानों, अलग अलग कमेटी की मीटिंग ली गई है और सभी लोगों ने मिलकर हर्षोल्लास के साथ दोनों त्यौहार मनाने का जो निर्णय भी किया है। तो कोई अगर रूमर ना फैलाए, रूमर फैलाएगा तो बहुत कड़क उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। और आप पहली बार हम लोग ये भी पूरा इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि जितना रूट होते हैं विसर्जन के या जुलूस के उसके अंदर के 100 मीटर तक अंदर हमारे डीप पॉइंट रहेंगे, वहां पे भी हमारे छतों के ऊपर जो पुलिस डिप्लॉय रहेगी जिससे लोगों की संपूर्ण सलामती को हम लोग इंश्योर कर सके। सर किस तरह का लेग मार्च भी करने वाले? ये पुलिस अलग अलग विस्तारों में, शहर बहुत बड़ा शहर है, 82 लाख का पॉपुलेशन का शहर है, तो सब अलग अलग विस्तारों में सब फ्लैग मार्च कर रहे हैं अलग अलग विस्तारों में, जहाँ जहाँ पे जुलूस और जहाँ पे प्रोसेशन निकलने वाला है गणेश जी का, हर जगह जो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे भी मॉर्निंग से ही हम लोग जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं और अभी भी हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी सारे आयोजक से मुलाकात हो गई है और जितने भी अंदर मोहल्लों निकलने वाले उनके साथ हमारे सब सीनियर अधिकारी वहाँ पे रहेंगे और उनके साथ मिलजुल के अच्छे से पूरा जुलूस पूरा। 12 ड्रोन कैमरे हम लोग लगाए हैं, 900 हमारे बॉडी वन कैमरे और 125 वीडियो कैमरे हैं और उसके अलावा हम लोग 15 जितने वॉच टावर लगा रहे हैं बड़े बड़े, जिससे ऊपर से अच्छा व्यू के साथ हम लोग पूरी रिकॉर्डिंग प्रक्रिया कर सकते। विसर्जन के दिन लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी? विसर्जन में हम लोगों ने देखा इतने दिनों तक हम लोग करीब 7 दिन से अलग अलग पंडालों में जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारी मूर्तियां तो जगह भी कर रहे हैं, इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई है तो जगह विसर्जन कर रहे हैं, जो बहुत ही खुशी की बात है। और बाकी जितना अलग अलग सभी पंडालों को टाइम दे दिया गया है कितने बजे कौन निकलेगा, अर्ली मॉर्निंग से ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी और देर रात तक में हम लोग पूरा इसको पूरा करेंगे।